हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा इंट्रोडक्शन एंड कुछ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, दैट इज चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 5। पार्ट 1 में हमने सीखा था 5 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, पार्ट 2 में हम शुरू करने जा रहे हैं फीचर्स नंबर 6, दैट इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, ये क्या है देखते हैं। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, यानी कोई प्रोडक्ट को यूज करने के बाद ही आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा है कि बुरा लगा है। सेटिस्फेक्शन इज एंड रिजल्ट ऑफ अ कंजम्पशन। सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा आपको? उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। इन शॉर्ट समझ लीजिए कि भाई अगर वो प्रोडक्ट है तो उसके अंदर यूटिलिटी पहले से ही है। आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, एंड रिजल्ट, यानी उस प्रोडक्ट में पहले से ही यूटिलिटी था, आपने उसको यूज किया तो आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन। आप बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यानी आपको पता चल गया कि भाई यूटिलिटी और एंड सेटिस्फेक्शन एक दूसरे से लिंक तो करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन डिफरेंट हैं। कि यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी है और सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो मजा मिलेगा वो है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस द वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। यानी एक प्यासा आदमी है, प्यासा आदमी एक गिलास पानी का पिएगा तो उसको मजा आएगा क्योंकि उसकी प्यास उससे बुझ जाएगी। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ द कंजम्पशन एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव्स फ्रॉम द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। यानी उस पानी के गिलास में कैपेसिटी तो थी अपने यूजर को सेटिस्फाई करने की, किसी की प्यास को बुझाने की, लेकिन जब एक थर्स्टी पर्सन, एक प्यासे आदमी ने उसको पिया तो उसकी प्यास बुझ गई ये, और उसको मजा आया, ये उसका एंड रिजल्ट है। तो यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के अंदर, उस ग्लास के अंदर पहले से ही थी, उसको पीने के बाद, उस पानी को पीने के बाद जो उसको मजा मिला वो है सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 की तरफ, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पॉइंट नंबर 7, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मींस व्हाट? अज्यूम किया हुआ, जिसको हमने मान लिया, रियलिटी में वो है नहीं लेकिन हमने उसको अज्यूम कर लिया, हाइपोथेटिकल कर लिया है। कैसे देखते हैं, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली अभी हमने सीखा कि भाई यूटिलिटी क्यों है, जिसको हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। यानी अरे पानी पीने के बाद जो मजा आया, तो आप बता सकते कि मजा कहाँ आया है, कितना आया है, कितना किलो आया है, कितना लीटर आया है, कितना मीटर आया, हम ये तो नहीं बता सकते हैं। तो यूटिलिटी तो भाई एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक अज्यूम किया हुआ, वो जो मजा है, वो जो सेटिस्फेक्शन है, आप उसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। यही हमने सीखा कि हम उसको नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग अ वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। यानी एक प्यासा आदमी था, उसको हो सकता है पानी पी के मजा आए या ना आए। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, यानी जिसको मजा है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एंड फाउंड, यानी उसको मिलेगा, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हो सकता है उसको, अगर वो प्यासा नहीं होगा तो उसको मजा नहीं भी आएगा, तो यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है। अगर उसने पहले से ही पानी पिया होगा और पानी पी लेगा तो नेगेटिव भी हो सकती है, कि पानी पीने का हो सकता है उसको बहुत उल्टी भी हो जाए, ठीक है। तो नेगेटिव हम सीखेंगे डिटेल में कि क्या यूटिलिटी पॉजिटिव है, यूटिलिटी नेगेटिव है, यूटिलिटी जीरो कब होती है, ये हम सीखेंगे सर। अभी इतना समझ लेते हैं, यूटिलिटी इज डिस यूटिलिटी, अब उसको प्रोडक्ट यूज करने के बाद मजा नहीं मिलेगा, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो अब उस प्रोडक्ट से उसको यूटिलिटी नहीं बल्कि हम कहेंगे क्या मिला है उसको, डिस यूटिलिटी। ये वर्ड आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में जानेंगे, डायग्राम के थ्रू, पूरे लॉ के थ्रू समझेंगे कि यूटिलिटी नेगेटिव कब होता है, यूटिलिटी नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल यानी नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। कि अब कोई पूछेगा पानी पिया, हाँ मजा आया, बोले हाँ कितना मजा आया, तो हम उसको नहीं बता सकते एक किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, ऐसा नहीं बता सकते। दैट मीन्स कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इट्स नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट नंबर 7,
फीचर्स ऑफ यूटीडी मेजरमेंट ऑफ यूटीडी इज हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब सब मेरे को क्लियर हो गया कि हाइपोथेटिकल क्या है. हमने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि हाँ मजा, थोड़ा मजा, कम मजा, ज्यादा मजा, हम ऐसा बता सकते हैं लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर, पॉइंट नंबर 8. यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. अब मल्टीपर्पज क्या होता है? एक से ज्यादा यूज. जिस प्रोडक्ट के होंगे उसको हम कहेंगे मल्टीपर्पज. देखते हैं कैसे. अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन. एक प्रोडक्ट बहुत सारे यूजर की को सेटिस्फाई कर सकता है या एक प्रोडक्ट बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है. इट कैन ऑल्सो पुट टू सेवरल यूजर्स. अब एक प्रोडक्ट के हम बहुत सारे यूज भी कर सकते हैं. कैसे? एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पज एंड फॉर मैनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इंसान की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करती है. हम उससे टीवी भी चला सकते हैं, हम उससे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चार्ज भी कर सकते हैं, हम फैन भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं. यानी उसके मल्टीपर्पज होगा. और ऐसा नहीं कि सब हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग अपनी सेम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पर्पजेस के लिए उस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है. तो क्या यूटीडी सबको मिलेगी? यस ऑफकोर्स, यूटीडी इज मल्टीपर्पज. यानी क्या यूटीडी क्या है? मल्टीपर्पज है. जो जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसे यूटीडी मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा. पॉइंट नंबर 8, फीचर्स ऑफ यूटीडी. यूटीडी इज मल्टीपर्पज. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9. यूटीडी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा था लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा था. अब इसको हम इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. कैसे? देखते हैं. यूटीडी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. यानी उस प्रोडक्ट की उसको कितनी ज्यादा जरूरत है, इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. यानी एक कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा जरूरत है और जब उसको वो प्रोडक्ट मिलेगा तब वो उतना ज्यादा सेटिस्फाई होगा. कैसे? देखते हैं. मोर इंटेंस द वॉन्ट द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. जितनी ज्यादा जरूरत होगी उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी. एज एंड व्हेन द अर्जेंसी डिक्लाइंस यूटिलिटी डिमिनिशेस. और जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की जरूरत कम होने लगेगी उससे मिलने वाले यूटिलिटी भी कम होने लगेगी. कैसे? देखते हैं, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड. यानी एक भूखे आदमी को खाने में बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. बट देन द पर्सन हु इज नॉट हंग्री. और जैसे ही वो आदमी भूखा नहीं रहेगा, यानी उस आदमी ने खा चुका, तो धीरे धीरे उसको फूड से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होती रहेगी. यानी जब वो भूखा था इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट ज्यादा था तो यूटिलिटी भी ज्यादा था. लेकिन जैसे जैसे वो रोटी खाता गया, पेट भरता चला गया, इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट कम होता चला गया, यूटीडी भी कम होता चला गया. क्लियर एवरीवन? यहाँ से सबको समझा. पानी के ऊपर भी हमने वाटर का भी ऐसे एग्जांपल लिया था कि भाई पानी ज्यादा प्यास लगी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट ज्यादा है, तो जब ज्यादा प्यास लगी उस पर्सन को अब ग्लास ऑफ वाटर मिलेगा तो यूटीडी ज्यादा मिलेगा. लेकिन जैसे उसने पानी पी लिया एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, तो जैसे जैसे उसकी प्यास बुझती जाएगी इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट कम होती चली जाएगी, उसको उस प्रोडक्ट की कम जरूरत पड़ने लगेगी. जब कम जरूरत पड़ने लगेगी, इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट कम होने लगेगी, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली यूटीडी भी कम होने लगेगी. क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10. यूटीडी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. यानी कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ से शुरू होती है? वो उसकी यूटिलिटी से शुरू होती है. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसी पॉइंट के लिए इस चैप्टर को सिखाया जा रहा है कि भाई डिमांड कैसे क्रिएट होता है. एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करता है. कैसे? अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स हिम द यूटिलिटी. यानी एक कंज्यूमर, हम और आप, एक प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे जब उससे हमें कोई सेटिस्फेक्शन, कोई मजा, कोई यूटिलिटी, कोई बेनिफिट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, a sick person has utility in medicines, hence he demand medicines. तो जैसे आपको पता चला कि भाई एक बीमार शख्स है, एक बीमार पर्सन है, तो अब वो सिक पर्सन, उस इल पर्सन को दवाइयों की जरूरत है तो वह दवाइयाँ खरीदेगा. अगर वो बीमार नहीं है तो दवाइयाँ नहीं खरीदेगा. यानी उस बीमार आदमी को मेडिसिन में यूटिलिटी मिलेगा. तो यूटिलिटी है इसलिए मेडिसिन की डिमांड है. अगर वो पर्सन इल नहीं होता, सिक नहीं होता, बीमार नहीं होता, तो उसको प्रोडक्ट, उस मेडिसिन में यूटिलिटी नहीं मिलता और फिर वो डिमांड भी नहीं करता. तो अगर यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो ही उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी. उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर को कोई बेनिफिट है तो ही उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होगी. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 10, फीचर्स ऑफ यूटीडी. यूटीडी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. तो यूटीडी फर्स्ट पॉइंट होगा, उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी, और जैसे ही उस प्रोडक्ट की कंज्यूमर को जरूरत होगी, वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, उस प्रोडक्ट को डिमांड क्रिएट करेगा.
इज इट क्लियर एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं, हमने पार्ट वन पार्ट टू दोनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट वन में क्या सीखा। पार्ट वन में हमने सीखा था कि यूटीडी क्या होता है, यूटीडी के फीचर्स, सॉरी यूटीडी के मीनिंग सीखा और कुछ फीचर्स सीखे। इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि भाई यूटीडी किस तरह से अपने कंज्यूमर एक प्रोडक्ट की कैपेसिटी होती है जो अपने यूजर को सेटिस्फाई करते हैं। यूटीडी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ये आपको अच्छे से सिखाया था मैंने कि भाई यूटीडी क्या होता है। मीनिंग में आप हमेशा ये लिखेंगे, मीनिंग में आपसे पूछा गया तो ये लिखेंगे, यूटीडी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटीडी क्या है? कैपेसिटी है किसकी? कमोडिटी क्या करने की? सेटिस्फाई करने की। किसको? ह्यूमन वांट को। क्लियर? यूटीडी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। ठीक है, चलिए तो फीचर्स में हमने क्या सीखा? पॉइंट वन फीचर्स में हमने सीखा था कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि टाइम और प्लेस पे डिपेंड करता है। वो स्वेटर है था, स्वेटर सर्दियों के दिनों में उस स्वेटर से मजा आता है लेकिन गर्मियों में उस प्रोडक्ट से मजा नहीं आता। सीखा था कि भाई सेंट है, रेती है, रेती जो है वो जब एक समंदर के किनारे पर उसकी कोई वैल्यू नहीं लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच गई तो उसकी बहुत सारी वैल्यू है। फिर सीखा था पॉइंट नंबर टू सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में सीखा था कि भाई वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के यूज पे कि अगर उससे हमें यूज होगा तो उससे हमें यूटिलिटी मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एग्जांपल में सीखा था कि भाई टेलीस्कोप किस तरीके से डॉक्टर के लिए यूजफुल है। अब कैलकुलेटर एक अकाउंट स्टूडेंट के लिए, एक अकाउंटेंट के लिए कैलकुलेटर जरूरी है लेकिन डॉक्टर को कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं। ऑब्वियसली जो ऑपरेशन करते हैं उन डॉक्टर्स की हम बात करें कि भाई उस डॉक्टर को कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं। कॉमन स्टूडेंट के लिए स्टेटोस्कोप की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए वो सब्जेक्ट मैटर अलग है, उनका प्रोफेशन अलग है, उनकी लाइक्स डिसलाइक हॉबीज नेचर अलग है। तो इसके वजह से प्रोडक्ट सेम है लेकिन फिर भी उससे मिलाना सेटिस्फेक्शन अलग हो सकता है, उसमें यूटिलिटी नहीं हो सकती। तो स्टेटोस्कोप के लिए डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा लेकिन लेमैन के लिए, कॉमन इंसान के लिए कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री हमने पढ़ा था एथिकली न्यूट्रल, यानी यूटीडी अच्छा है बुरा नहीं होता है, उसको वो डिपेंड करता है यूज करने वाले पर, उस पर्सन पे, उस कंज्यूमर पे। एग्जांपल में हमने सीखा था कि जो नाइफ है ये अच्छा बुरा नहीं है, नाइफ से वेजिटेबल और फ्रूट भी कट किए जा सकते हैं लेकिन नाइफ से किसी को हार्म भी पहुंचा जाता है, किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है इसके यूजर पे, वो चाहे तो इसका अच्छा यूज करे, वो चाहे तो इसका बुरा यूज किए। तो इससे हो गया एथिकली न्यूट्रल। फिर था पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर में हमने सीखा था कि यूटीडी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग है कि भाई एक दूध है, दूध में यूटिलिटी भी है और यूजफुलनेस भी है, अच्छा भी है, उसके लिए फायदेमंद भी है और उसकी उसकी ज़रूरत भी है। लेकिन एग्जांपल से कहता है लीकर का, लीकर यानी अल्कोहल यानी शराब, शराब में क्या है यूटिलिटी, उस पीने वाले को तो बहुत मज़ा आता है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं है, यूजफुल नहीं है। पॉइंट नंबर फाइव में हमने सीखा था यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, यानी यूटिलिटी से यूटिलिटी अलग है और मज़ा अलग है। कैसे मज़ा अलग है? आपको एग्जांपल दिया था कि भाई इंजेक्शन लगा, एक पर्टिकुलर पेशेंट को इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन लगने के बाद वो ठीक तो हो जाएगा, यूटिलिटी तो मिल जाएगा लेकिन उसमें उसको किसी भी तरीके का प्लेजर यानी मज़ा नहीं आएगा। फिर हमने पॉइंट नंबर सेवन में सीखा था मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब बताया था अज्यूम किया हुआ, रियलिटी में नहीं है। यूटिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट को हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बस यूटिलिटी को नंबर दे दिया जाता है। नंबर क्यों दिया जाता है? उसको कार्डन करने के लिए, लेकिन रियलिटी में मेजर यूटिलिटी को मेजर करना, नापना, कार्डन मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कार्डन मेजरमेंट यानी कार्डन मीन्स नंबर देना, किसी भी चीज को नापना तोलना वो पॉसिबल नहीं है। देन पॉइंट नंबर एट यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। हमने एग्जाम्पल सीखा था कि यूटिलिटी मल्टीपर्पज हो सकती है, एक प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें बहुत सारे यूजफुल हो सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था, इसमें वाटर का एग्जांपल हो सकता है, इसमें सनशाइन का एग्जांपल हो सकता है, सूरज की रोशनी का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट एक है, उसके यूज अनेक हो सकते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी अलग हो सकती है। फिर हम सीखा था यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट, यहाँ पे भूखे और प्यासे पर्सन का एग्जाम्पल लिया था कि अगर ज़्यादा प्यास लगी है तो उससे मिलने वाली, उस प्रोडक्ट से मिलने वाली आपको यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर भूख कम लगी है, प्यास कम लगी तो आप जितना ज़्यादा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे उतना कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर हमने पॉइंट नंबर एट सीखा था यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, जैसे ही आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत लगेगी तब आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एग्जाम्पल में हमने सीखा कि मेडिसिन, एक बीमार आदमी को ज़रूरत है दवाइयों की तो वो दवाइयाँ खरीदेगा यानी डिमांड करेगा, तो उसके लिए उस दवाइयों में उसको यूटिलिटी था, यूजफुलनेस था, तो ही उसने उस प्रोडक्ट की डिमांड किया था। तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।